ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच्ची कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहती हो। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी होता है जब सच्चाई के साथ अड़ीक होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। लक्ष्य तक पहुँचना है तो मेहनत रूपी ईंधन को चलाना ही होगा। अपने ही अपनों से करते ही अपनेपन की अभिलाषा पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। लाख कोशिश नहीं करनी है, खुद को सही साबित करने के लिए बस खुद को इतना बेहतर बना लेना कि कमी की कोई गुंजाइश बची ना पाए। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है। जिस चीज़ को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे, ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है क्या गलत है की पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सिखा देता है और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे वक्त में पता चलता है। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को ना कोसे बल्कि धैर्य धीरज सब्र कुछ भी कहिए लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध पछतावा चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो।